वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का टेक बाजार। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है हाउ टू मेक बैटरी प्लेट्स, अपनी बैटरी प्लेट्स को बहुत अच्छे से अच्छा और कैसे बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया, आपको ये बैटरी इन्फॉर्मेशन आई कहां से, किस बिहाफ पे आपकी सारी बातें कह रहे हो कि हम लोग इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं इस इंडस्ट्री में, बैटरी इंडस्ट्री में सन 2001 से वर्किंग में हूं, यानी कि मुझे आज 19 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो चुके हैं। यहां हम लोग बनाते हैं बैटरीज, बैटरी प्लेट्स, लेड रिसाइक्लिंग प्लांट्स, और साथ में हम लोग कुछ न्यू इन्वेंशंस भी कर रहे हैं मशीन्स की, जो कि बैटरी के ऑटोमेशन के लिए काम होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग बैटरी प्लेट बनाने के लिए जो बेसिक हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है, वो होती है लेड की। लेड हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आज के टाइम में जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं सिलेनियम अलॉय यूज। सिलेनियम अलॉय की जो स्पेक्ट्रो रिपोर्ट होती है, उसमें परसेंटेज उसकी आपको दी गई होती है कि कितने परसेंट इसमें सिलेनियम अलॉय आपका होता है। दोस्तों, जैसा कि नॉर्मली ग्रिड में हम लोग देखते हैं, जब बैटरी का प्लेट हम लोग बना रहे होते हैं, तो ग्रिड हमारे सामने निकल के कुछ इस तरीके से आता है। इस ग्रिड की अच्छी या बुरी कंडीशन के बारे में कैसे इसको हम पता निकालते हैं, वो ये है कि इसमें हम लोग कितने केमिकल्स इसमें और जोड़े गए हैं। दोस्तों, लेड जब हम लोग मेल्ट करते हैं पॉट के अंदर, तो नॉर्मली हमारे जो कारीगर होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे लेड गर्म हो रहा होता है, उस टाइम पे उसके ऊपर एक मलाई टाइप की लेयर, मोटी लेयर आ जाती है, वो होती है हैवी मेटल्स की लेयर। उसको निकाल के एक साइड कर देते हैं और वो अपनी डाई को शुरू कर लेते हैं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? लेड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो एक पर्टिकुलर हर एक अलॉय की एक नेचर होती है कि वो किस टेम्परेचर पे आके अपने सारे हैवी मेटल्स को मेल्ट कर लेगा। नॉर्मली तीन चीजें हैं, एंटीमोनियल अलॉय, सिलेनियम अलॉय एंड कैल्शियम अलॉय। एंटीमोनियल अलॉय की जो एक रेंज है, टेम्परेचर रेंज है, वो है 500 to 550। सिलेनियम अलॉय की जो रेंज है 550 to 600, और कैल्शियम अलॉय के लिए 600 to 650। इसको मेजर कैसे करेंगे? नॉर्मली दोस्तों, मैं वीडियो में आपको ये डिवाइस दिखा रहा हूँ, यह है टेम्परेचर कंट्रोलर। ये आपको इंडिकेट भी करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है। दोस्तों, इसके थ्रू आप देख सकते हैं, जब आपका पॉट हीट हो रहा है, तो वो आपको ये टेम्परेचर बता देगा कि हमें अपने डाई से कब इसको कास्टिंग शुरू करनी है। हमें अपने कारीगर की बातों में नहीं आना है, हमें देखना है कि हमारा टेम्परेचर रेंज हमारे इस कंफर्टेबल है या नहीं। पहली चीज, ग्रिड कास्ट करने के बाद में नॉर्मली हम लोग उसको एक जगह स्टोर कर लेते हैं, 2-4-5-6 दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद में हमारी पेस्टिंग शुरू होती है। इस बात में थोड़ा सा हमें एक क्योरिंग ये रखना है कि हम जो ग्रिड हमने बना के रखे हैं, हम ग्रिड को किसी चीज से कवर करके रखें, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया वहां पे ना हो। दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पेस्ट मेकिंग। जब हम लोग पेस्ट बना रहे होते हैं ग्रे ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड और केमिकल्स को मिला के, वहां पे हम एक गलती नॉमिनल से क्या करते हैं कि जब हम पेस्ट बनाना शुरू करते हैं, तो उसमें पहले वाटर पोर करते हैं। वाटर को पोर करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने वाटर पोर किया, उसी टाइम पे हमने अपना ब्लोअर ऑन कर दिया, जिससे कि टेम्परेचर हाइक ना जाए। दोस्तों, यहाँ एक चीज बताने वाली वो ये है कि हर एक चीज का एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर होता है। ये जो रिएक्शन होनी होती है 50 to 60 degrees के बीच में होनी होती है। अगर हमारा टेम्परेचर 50 से कम है, रिएक्शन नहीं होगी, 60 से अवेब है, मसाला जल जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि हल्का सा जब टेम्परेचर राइज होना शुरू हो, तब आप अपने ब्लोअर को ऑन करें। और इसके लिए एक थोड़ा सा हेल्पफुल एक डिवाइस हम लोगों ने बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो डिवाइस हम लोगों ने बनाई है ये। जब आप एसिड पोर कर रहे होते हो, तो कारीगर ने क्या किया, मग्गा लिया, मग्गे से वो एसिड बहुत सारा एक साथ डाल दिया, वहां रिएक्शन खराब हो जाएगी। आपको धीरे 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 पोर करना है, तो उसके लिए एक डिवाइस है। इस डिवाइस से आप सेट कर दीजिए, आपका 2 liter, 2.5 liter जितना भी इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें डालने वाले हो, ये उसको 15 से 20 मिनट के अंदर ही पोर करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो उसका ये बेनिफिट मैंने आपको बताया। इस डिवाइस के थ्रू हम लोग उस प्रॉब्लम को भी शूट ओवर कर सकते हैं। पेस्ट बन गया, पेस्टिंग हो गई। पेस्टिंग करते टाइम कोशिश ये करनी कि मसाला जितना हाई डेंसिटी का होने की, जो टाइट मसाला होगा, उतना अच्छा वो हमारे लिए काम करेगा। तीसरी चीज, प्लेट बनने के बाद में जो इंपॉर्टेंट काम रह जाता है, वो रह जाता है क्यूरिंग का। प्लेट बना ली, फ्री लाइट कम कर लिया, अभी हमें और क्या करना है, और फ्री लाइट कम करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लेट का एक ढेर लगाया, जिन लोग के पास क्यूरिंग चैम्बर्स है वो वहां ले जा रहे हैं। क्यूरिंग मिनिमम 3 to 4 दिन कीजिए ही कीजिए। जितनी ज्यादा क्यूरिंग करेंगे, प्लेट के मसाले को सेचुरेट होने का टाइम देंगे, लेड फ्री लेड को कम करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारी प्लेट की लाइफ ज्यादा होने वाली है। तो दोस्तों, जब प्लेट बन गई, क्यूरिंग भी हो गई, क्यूरिंग के बाद में अब रह गया चार्जिंग का टाइम। चार्जिंग में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन डाला, चार्जिंग स्टार्ट कर दी 10 to 15 ampere पे। कभी नहीं करना है, इनिशियली प्लेट को 12 घंटे की चार्जिंग एटलीस्ट 5 ampere पे देनी है, जिससे कि स्लो चार्ज हो, या डीसी चार्जिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्लो चार्जिंग से टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा चार्जिंग का, पर प्लेट आराम से अच्छे से अपने चार्ज हो जाएगी, जिससे उसकी लाइफ और अच्छी मिलेगी। दोस्तों,
बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, इसमें और डिटेल्स बात हम लोग कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगती है तो प्लीज क्रॉस चेक कीजिए और मुझे भी अपडेट कीजिए, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने की। हो सकता है कुछ चीजें आपके पास मेरे से बेहतर हो, प्लीज मुझे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, इससे हम सब लोग बैटरी मैन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें और हम लोग एक आपस में ब्रिज स्टार्ट कर सकें, जिससे कि एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।